वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सैटरडे को आपके लिए इसरो के फॉर्म की वीडियो लेकर आऊँगा, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी आ रखी है। लेकिन सैटरडे को मेरे इंटरनेट में कुछ इश्यू हो गया था, इस वजह से आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज आपके लिए इस नौकरी के फॉर्म की वीडियो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेकर आ गया हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना ताकि आपको प्रॉपर क्राइटेरिया समझ आ सके। और भाई, जो बच्चे इस फॉर्म की वीडियो को देख रहे हैं लेकिन डिटेल आपको नहीं पता, डिटेल वाली वीडियो मैं ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको लगा के मैंने दे रखा है। आप ये डिटेल वाली वीडियो देख लें। ये डिटेल वाली वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसमें आपका ITI है, नॉन ITI है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी हैं। तो ध्यान से जो है आप डिटेल वाली वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी आपके लिए पोस्ट अवेलेबल है। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, टनर, उसके बाद MRNAC है, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटर है, प्लम्बर है, ब्लैकस्मिथ ही है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मैकेनिकल है, कुक, फायरमैन और आपका कैटरिंग अटेंडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे ताकि आपको अच्छे से पूरा क्राइटेरिया समझा सकूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा यार, अगर आपको लगता है कि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा काम करना, हम उन बच्चों के साथ हमारा चैनल शेयर कर दो जो 2019 में या फ्यूचर में ITI करना चाहते हैं, ताकि उन्हें सही तरीके से गाइडेंस मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे फॉर्म की ओर। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने पहला लिंक दिया, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप जो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेल ID जो हमेशा आपकी एक्टिव रहती हो, अगर आपकी मेल ID एक्टिव नहीं है तो आप फॉर्म इसका नहीं भर सकते, ध्यान रखना। क्योंकि फॉर्म जो है, जो एक लिंक प्रोवाइड करेगा आपको डिपार्टमेंट, आपकी मेल ID पर ही फॉर्म फिल करने के लिए प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चा डालेंगे। अगर आपको लगता है कि ये कैप्चा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आप 3-4 बार यहाँ पर रिफ्रेश मारें, जो इजी कैप्चा आपको दिखता है वो डाल के इसे सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। जैसे आप इस पर क्विट करेंगे, क्विट पे आपको क्लिक करते ही इस तरीके का पेज ओपन होगा। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली जाइए अपने मेल बॉक्स में, अपने फ़ोन वाले मेल बॉक्स में जाओ या फिर आपका लैपटॉप में आपका मेल बॉक्स ओपन है तो उसमें जाओ। आपको एक डिपार्टमेंट की तरफ से मेल आया होगा तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा। ये फॉर्म आप फ़ोन से भी भर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, ओनली आपको फोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, मैं तो यही बोलूँगा लिंक पर क्लिक मत करना, इसे राइट क्लिक करके आप या फिर इस पर दबा के रखेंगे फ़ोन में, तो आप जो है इस पर देखेंगे कि ये लिंक जो है आपको कॉपी करने का ऑप्शन आपको दे देगा, या फिर आप यहाँ पे आप राइट क्लिक करके कॉपी हाइपरलिंक से जो है ये कॉपी करके आप क्रोम ब्राउज़र या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में पेस्ट करके और अपने फॉर्म को प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही आप उस लिंक पे पेस्ट करेंगे वो लिंक अपने ब्राउज़र में, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो ये इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी डिटेल्स चेक करनी है, सही भरी है। अगर आपको लगता है कि ख़राब भर दी तो आप दोबारा दूसरी मेल ID से यहाँ पर डिटेल्स को कैप्चर कर लेना, क्योंकि आपके अदर डिटेल्स यहाँ पर नहीं मांगी है, ओनली यहाँ पर आपकी मेल ID मांगी है। तो दूसरी मेल ID से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे की डिटेल्स आपने गलत कर दी तो फिर आपकी मदद नहीं हो पाएगी। एक बात है, मैंने आपको नहीं बताई थी, इसमें जो पोस्टिंग होने के चांस हैं आपके तिरुवनंतपुरम में, और दूसरी बात कि आपका फ़ी का क्राइटेरिया, जो बच्चे जनरल से हैं, OBC से हैं, उनको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, और बाकी जो SC ST वाले बच्चे हैं और फीमेल कैटेगरी है और PH कैटेगरी है और एक्स सर्विसमैन जो है, उनको कोई फ़ी यहाँ पर नहीं देनी है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और यहाँ पर आपको ये अपलोड करने के बाद साइज़ आप देख लेना कि क्या डायमेंशन और क्या जो है मिनिमम साइज़ इन्होंने मांगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप देगा आपको इस तरीके का, तो आप देख लेना कि आपने सही तरीके से अपलोड किया है। ओके पे आप क्लिक करोगे तो आपको आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको चार चीज़ें दिखाई देगी, एक तो पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और उसके बाद जो है अदर डिटेल्स। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये पर्सनल डिटेल्स से स्टार्ट करता हूँ फिल करवाना। तो पर्सनल डिटेल्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये भाई देखो आप इधर उधर मत लेकर जाना कर्सर, वरना ये आपका कर्सर जो है भागेगा इधर उधर। आप एक पर ही रखना, आपको इस पर रखेंगे तो आप जो है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँचेंगे इस पेज पर। वैसे ये फर्स्ट पेज पर ही आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अपनी सारी की सारी डिटेल्स,
ये आपको फिल करने पड़ेगी। तो सबसे पहले अपना नाम कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनिशियल जो है आपका फर्स्ट लेटर वो आपका कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद फादर का नाम लिखेंगे, DOB लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे और नेशनैलिटी आपको चूज करने पड़ेगी, इंडियन। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करके यहाँ पे देख रहे हैं, फी पेमेंट अंत में नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी PWD कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, आप एप्लीकेबल है तो उसे यस करेंगे, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल करके आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आप एक्स सर्विस मैन देखेंगे, यहाँ पर नो करेंगे, अगर आप हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पर आप करंटली एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पर आपकी फोटो सिग्नेचर जो पीछे अपलोड करी थी वही दिख जाएगी। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा नीचे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सेकेंड कैटेगरी आ जाएगी, यानी ये वाली कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चूज करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, फर्स्ट लाइन का एड्रेस, सेकंड में आप यूज़ करते हैं तो सेकंड लिख देना, सेकंड वाला एड्रेस लिख देना। उसके बाद सिटी, पिन कोड, आपका स्टेट और आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर, या आई थिंक कॉन्टैक्ट नंबर ऑटोमेटिकली फैच करेगा, अगर नहीं करता तो आप जो यहाँ पर डालना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यह एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप जो इस पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिटेल्स उठा के यहाँ फैच कर देगा, अगर नहीं है तो आप इस पे क्लिक मत करना, आप दूसरे तरीके से यहाँ पर एड्रेस डाल देना। तो जैसे ही आप इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये थर्ड वाला पार्ट ओपन होगा क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन देखो किस तरीके से डालनी है, एग्जाम नेम आपको डालना है, जो आपकी स्कूल एजुकेशन है, ITI की एजुकेशन नीचे डालेंगे, क्योंकि मैंने फॉर्म ITI से इसलिए फिल करके बताया क्योंकि ITI वाले बच्चे मोस्टली हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो बाकी यहाँ पर जो है ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, CBSE बोर्ड हमने चूज़ किया, आपको अदर बोर्ड चूज़ करने का ऑप्शन दिख जाएगा। परसेंटेज हम CGPA के तौर पे डाल रहे हैं, तो हमें 10 में से नंबर मिलते हैं, आपको बताइए 10 में से CGPA मिलता है, 10 में से 8 मिला, हमने 8 यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ITI पे आ जाओ, ITI यहाँ पे डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे, डिसिप्लिन डालेंगे जो भी आपका है, उसके बाद बोर्ड डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द कोर्स नेम एज इन सर्टिफिकेट, तो ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा देगा। तो इस तरीके से आपको डालना है अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, या फिर आप नॉन ITI से फिल कर रहे हैं तो अलग तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा। उसके बाद अगर आप ये जो बोर्ड आपको यहाँ पर गिवन है, अगर आपको नहीं दिखते यहाँ पे बोर्ड तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, और आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अपनी तरफ से मैनुअली यहाँ पर डिटेल डालने का, तो वो आप डाल देंगे अगर आपको लगता है कि ऊपर आपका बोर्ड लिस्टेड नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप परसेंटेज का ऑप्शन देखेंगे या CGPA का ऑप्शन देखेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लेना। हमने परसेंटेज चूज़ किया है तो हमें जो है 100 में से 70% मार्क्स मिले, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। डिवीज़न जो बनती है हमारी यहाँ पर, डिवीज़न जो बनती है फर्स्ट डिवीज़न बनती है, यानी रैंक जो बनती है हमारी फर्स्ट बनती है, तो हमने रैंक डाल दिया, अपने अकॉर्डिंग आप डाल लेना। नेक्स्ट का बटन आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फोर्थ वाला अदर डिटेल्स वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो भाई, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर चूज़ करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस पे स्टार लगा हुआ है तो ये आपको डिटेल्स कैसे ना कैसे डालने पड़ेगी। तो यहाँ पर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो 0 डालेंगे, यहाँ पे भी 0 डालेंगे, तो 0 डाल के आगे प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। तो मंथ में अगर 0 का ऑप्शन देता है तो यहाँ पे भी डाल देना। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि एक्सपीरियंस प्रॉपर है, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। विदाउट इसके अगर आप ऐसे ही एक्सपीरियंस डाल देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कहीं आपने दुकान में काम किया, किसी कंपनी में काम किया है, लेकिन आप छोड़ के आ गए, कोई एक्सपीरियंस प्रूफ नहीं है, तो आप यहाँ पर 00 ही डालना, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल डालने की जरूरत अभी नहीं है, ये तभी डालना जब आप एक्सपीरियंस फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डू यू ऑप्ट फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू इन हिंदी और नो, तो अगर आप हिंदी में अपना इंटरव्यू और रिटन टेस्ट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर जो है नो कर देंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो नो कर देना, अदरवाइज डू यू ऑप्ट फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू इन हिंदी, अगर आप दूसरी लैंग्वेज में चाहते हैं यानी इंग्लिश में चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो ही रहने देंगे। उसके बाद डू यू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप देगा, यहाँ पर आपको लगता है कि आपने डिटेल सारी ठीक फिल करी है तो आप जो इस पर ओके कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने एक इस तरीके का फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। मैंने सारी जो डिटेल्स है ब्लर कर दिया है ताकि कोई डिटेल्स जो है देख ना पाए, क्योंकि बंदे कॉल करने लग जाते हैं फिर दिक्कत हो जाती है, फ़ोन नंबर मेरा यहाँ पर दिख रहा था। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, आगे प्रोसीड करने का, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि एन OTP सेंड टू द मोबाइल नंबर यू हैव रजिस्टर्ड, क्लिक द बटन ब्लो एंड वेरीफाई योर मोबाइल नंबर।
तो यहाँ पर आप अपना वेरीफाई करेंगे ओटीपी, और यहाँ से आप अगर एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा प्रिंट ले लेना। लेकिन आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पर मेक पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आप प्रिंट लेंगे, ठीक है। तो मैं फी पेमेंट करके यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट में आपको बता भी देगा कि किस तरीके से आपको जो है कितनी कितनी फ़ी पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल वाले बच्चों को भी कोई फ़ी नहीं पे करनी, एससी को, एसटी को, तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी। तो यहाँ पर जैसी फॉर एग्जांपल हमने फ़ी पेमेंट कर दी, उसके बाद ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले फ़ी पेमेंट छोड़ो, वेरीफाई करते हैं पहले। वेरीफाई ओटीपी पे हमने क्लिक किया, ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके फ़ोन पर एक एसएमएस भेजेगा ये, और ये जो 400851 इस तरीके से हमारा आया, आपका दूसरा आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका यहाँ पर दे रखा है, जैसे ही आप जो है ये देखेंगे नंबर, आपको जो है यहाँ पर आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पर ये बोलेगा। जैसे आप इस वाली चीज़ पे क्लिक करेंगे, ये वाले वेरीफाई ओटीपी पे तो करेंगे, तो ओटीपी आपके सामने जो आपके फ़ोन पर आ जाएगा, और ओटीपी आपको वैलिडेट करने का ऑप्शन दे देगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको अपना जो पोस्ट नंबर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल आईडी डालने पड़ेगी, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो, आपका ईमेल आईडी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मैंने हाइड कर दिया, और यहाँ पर एंटर ओटीपी जो आपके फ़ोन पर आया था। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका ओटीपी आई आपको वेरीफाई होता हुआ दिख जाएगा। तो ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो बच्चे एससी से हैं, एसटी से हैं, फीमेल से हैं, पीएससी हैं, उनको बता दूँ फ़ी पेमेंट नहीं करने, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी से हैं उनको फ़ी पेमेंट करने पड़ेगी। मेक पेमेंट करने के बाद आप जो है प्रिंट ले लेंगे, ये प्रिंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको प्रिंट दिखाऊँ तो प्रिंट आपका किस तरीके का आएगा, तो प्रिंट जो है यहाँ पर आपको, एक मिनट, मैंने प्रिंट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लिया है। प्रिंट आपका इसी तरीके का आएगा, तो यहाँ पर जो है जब आप अपनी फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपको ऑप्शन वो दिखा देगा। तो ये साफ साफ बोल रहा है कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर मेकिंग पेमेंट, ठीक है, ये आपको बता रहा है। ये अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी कॉपी कर लेना और अपने पास रख लेना, और अपना जो आपका ओटीपी है वो भी कॉपी करके रख लेना। सो आई होप कि दोस्तों मैंने सारा क्राइटेरिया आपको समझा दिया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे तो मैंने आपको ये फॉर्म का लिंक दिया है, दूसरे नंबर पर एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद एक छोटा सा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का, वो करते ही आपको वहाँ पर सर्च का ऑप्शन देगा। सर्च में आपको क्या लिखना है, ऑनलाइन, उसके बाद ANDE एंड उसके बाद OFFLINE और उसके बाद ज्ञान, उस सर्च ऑप्शन में। और जैसे ही आप वो सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी, एक ग्रीन कलर का सिंबल दिखेगा आपको नीचे, और मुझे कॉल करने का ऑप्शन दिख जाएगा। वो कॉल करके आप अपनी क्वेरी जो है मुझसे रिजोल्व करवा सकते हैं, मैं आपकी कर दूंगा। सो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुँचा देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए चैनल से जुड़ जाओ, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे गलती से भी मिस ना हो।